देखो सामने हो गया युद्ध, लड़ाई होगी भाई। भाई ये है दुनिया की सबसे बड़ी तोप। मतलब यहाँ पे इतना पानी स्टोर होता था कि 10,000 सैनिक 2-3 साल तक पानी पी सकते भरपूर। हेलो गाइस, दिस इज मी द गितेश शर्मा एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। भाई अपन है अभी जयपुर में और यहाँ अपन ने लगा रखा है गूगल मैप, वो भी जयगढ़ फोर्ट का। यहाँ पे थोड़ा काम था ऑफिस का पापा को, तो वो कर लिया पहले। अब जा रहे हैं भाई घूमने जयगढ़ फोर्ट, तो देखते हैं कितना कुछ मजा आएगा। मैं कभी गया नहीं वैसे जयगढ़ फोर्ट में, पापा हो आए एक बार पहले। भाई गर्मी इतनी तेज हो रखी है ना कि एसी फुल नंबर पे चलानी पड़ रही है, आवाज आ रही है। तो भाई आ गए हैं भाई जयगढ़ फोर्ट में और पापा लेने गए वहाँ पे टिकट और गाड़ी अंदर पार्क कर देंगे। बाहर तो सच में धूप भी और काफी ज्यादा लोग भी है ना यार, यहाँ पे तो नहीं है इतनी कुछ खास पार्किंग, अंदर लगा देंगे गाड़ी पार्क में। और वो रहे पापा टिकट लेने गए अभी वहाँ पे गेट के अंदर। तो भाई अभी चल रहे हैं जयगढ़ के अंदर और कार से घूम रहे भाई, काफी अच्छा है भाई। यहाँ रख दिया अपन ने गाड़ी और चलते हैं बंदर की तरफ, देखते हैं कैसा क्या कुछ है। इतनी मुद्दों के साथ मुद्दों में सबसे पहले आया बाबा। बाबा ने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था पानीपत की लड़ाई में 1500। ये भाई वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप, भाई सच में बहुत बड़ी है। ये कैमरे में यूँ दिख रहा है कि छोटी सी है कि भाई एक फ्रेम में आ गई है, तो अल्ट्रा वाइड कर रखा है मैंने। इतनी बड़ी है भाई, ये पीछे से था वो वाला सीन, ये आगे से है भाई। देखो यार कितनी बड़ी है, देखो 9 फिट के तो ये आगे वाले पहिए हैं और जो पीछे वाले हैं ना ये 4.5 फिट के। भाई देखो यार कितनी बड़ी है भाई। ये सब पूरी डिटेल्स है इसकी, आप स्क्रीनशॉट लेके देख लो, ये इस चीज़ की डिटेल है भाई। वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप, इसकी पूरी डिटेल है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा आगे लोग तो उनके सेटअप बॉक्स वगैरह सब लगे हैं। हाँ यहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं यार, सही बात है। राजस्थान में लिविंग कोड 2 है, चित्तौड़गढ़ का और जैसलमेर का। इसका आप लिविंग कोड नहीं बोल सकते। यहाँ पे आए जहाँ पे 60 लाख गैलन पानी स्टोर रहता था, देखो खजाना जो लेके उसके कानून पे पंप चल जाता है ना। अब इसमें सीढ़ियां ऐसी है कि देखो 30 फीट तो सीधी जा रही है, 10 फीट राइट में टर्न कर रही है। अब ये पानी का लेवल नीचे है, तो पंप चलते के पानी रिसका ना गीला दिखेगा आपको और सीम आ रही है, देखो आप फील कीजिए इसको। हाँ इधर से देखो थोड़ा सा गीला दिख जाएगा आपको। और ये रही इसकी पूरी डिटेल, स्क्रीनशॉट लेके देख लो। मतलब यहाँ पे इतना पानी स्टोर होता था कि 10,000 सैनिक 2-3 साल तक पानी पी सकते भरपूर। ये जो खिड़कियाँ हैं ये वाली खिड़कियाँ जिससे पानी खराब नहीं हो। भाई अभी म्यूजियम में आए हुए हैं और ये देखो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारी पीछे भी है, इधर भी है, तोप है यहाँ पे है, तलवार है बहुत सारी है, उधर पीछे भी है बहुत सारी। भाई ये जो है ना ये वाली, ये इसमें की पेंटिंग है, जैसे अपन यहाँ से देखा ना तो 3D है। अपन किधर भी घूम जाओ ये अपन को वैसे के वैसे ही देखते रहेंगे, नीचे से ऊपर तक कहीं पर भी चल चलो ये वैसे ही देखते रहेंगे। देखो इधर घूम गए अपने, इधर आए तो गजब है यार। भाई एक ये तोप मिली है, देखो क्या शानदार लग रही है, ऐसा चलती थी यहाँ पे, इसका मैकेनिज्म दे रखा है पूरा। वाकई में जयगढ़ काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, मैं पहले आमेर आया था ना वो भी अच्छा, और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को लिटरली। और देखो यहाँ बहुत बड़ा भी है और सही है, इधर पूरा म्यूजियम टाइप है, यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह, यहाँ पे तोप बंदूक ये सब रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी तोप अपन ऊपर देख के आए थे ना भाई, वो थी अल्टीमेट यार, मजा आ गया सच में। तो भाई आ गए हैं किले के बाहर और अब जा रहे भाई घर की तरफ। तो भाई यह है जल महल जयपुर, और अभी हम ऊपर से उतर रहे थे ना, वहां से हमने देखा, जाते टाइम ही देख लिया था वैसे ही, पर आते टाइम भाई क्या शानदार व्यू है यार, देखो कितनी भीड़ है अभी से ही। यहाँ पे तो रात में आता होगा बढ़िया, यहाँ पे चौपाटी वोपाटी जम जाती है सारी शानदार। तो करते हैं भाई थोड़ी देर यहाँ पे फोटोशूट। भाई कितना सही है ना, अगर मेरा घर भी ऐसा पानी के बीच में होता यार मजा आ जाता सही में। तो भाई यहाँ पे आ गए अंकल जी के पास नारियल पानी पीने, गर्मी बहुत हो रही है यार बहुत ज़्यादा। बढ़िया माहौल है यार यहाँ पे, शानदार मजा आ जाता है सही में। देखिए पीते बढ़िया पानी वाला निकाल रहे हैं अंकल जी यहाँ पे। जी जयपुर छोड़े तो बहुत देर हो गई और देखो फर्स्ट टोल भी आ गया यहाँ पे, ये रहा अपना फास्ट टैग, लगाते हैं और आगे चलते हैं भाई। तो भाई एक स्ट्रेचिंग ब्रेक लिया है यहाँ पे, यूँ समझो 100 किलोमीटर आ गए हम जयपुर से आगे, टोंक आ जाता है जब तक, तो टोंक यहाँ से बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है भाई। और अब चाय वाय पीते हैं चलते हैं यार, ये चाबी देखो हल्की सी खुल गई,
आपको दिख नहीं रहा होगा, सब दिख रहा है, हल्की सी खुल गई। चलते हैं पहले चाय वाय पीते हैं यार। तो सामने हो गया युद्ध, लड़ाई हो गई भाई वहाँ पे। बस ट्रैक्टर भिड़ गए, देखो रोड के निशान, मतलब टायर के निशान। भाई आराम से चलानी चाहिए यार गाड़ी तो। ट्रैक्टर ऐसा ना जाए रोड।